हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। आई एम योर मेंटर वैभव शक्तिदेव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस किस यूनिट्स में मेज़र किया जाता है। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज मेज़र्ड इन विच यूनिट, लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन या जूल। तो अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है वो वैसे तो 150 मिलियन किलोमीटर्स होता है, लेकिन क्योंकि ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है इसलिए इसे हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मान लेते हैं। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो 150 मिलियन किलोमीटर्स के इक्वल होता है। और साथ साथ ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूसरी इम्पॉर्टेंस ये है कि इसकी मदद से हम लोग पार्सेक की वैल्यू निकालते हैं। पार्सेक भी एक एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ मेज़र करने के लिए यूनिट है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो 4.8 मिलियंस, मतलब 10^-6। तो 4.8 × 10^-6 पार्सेक होती है, या फिर 15.8 मिलियंस ऑफ अ लाइट ईयर। मतलब कि, और लाइट ईयर किसे बोलते हैं, लाइट ईयर होता है लाइट जो हुई वो एक साल में अगर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लाइट अपने स्पीड से एक साल तक अगर चलती है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस डिस्टेंस को कहते हैं एक लाइट ईयर। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो 4.8 × 10^-6 पारसेक, या फिर 15.8 × 10^-6 लाइट ईयर के इक्वल होती है। तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेज़र करते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है 150 मिलियन किलोमीटर। तो मान लीजिए कि कोई प्लैनेटरी बॉडी जो है वो अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस का डिस्टेंस अगर 150 मिलियन किलोमीटर्स है, और कोई दूसरी बॉडी है वो 300 मिलियन किलोमीटर्स पे है अर्थ से, तो उस बॉडी का डिस्टेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2AU सीधा सीधा। तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस होता है 1AU, और अगर कोई बॉडी मान लीजिए कि 300 मिलियन किलोमीटर पे है वो 2AU होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ बात हो रही है डेंसिटी की, तो डेंसिटी को कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। मींस पर यूनिट वॉल्यूम मींस एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास कंटेंड है। अगर ये एक मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो इसके अंदर कितना मास है, मींस किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या हुई, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको बोल सकते हैं किलोग्राम, इसका एसआई यूनिट होगा डेंसिटी का, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास कंटेंड है, मींस किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो और दूसरी चीज है जो डेंसिटी से जुड़ी है, वो डेंसिटी से ये जुड़ी है कि डेंसिटी का जब हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं मींस 1/d, तो उसको हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/d। और साथ साथ ही ऑप्शंस में था क्योंकि वर्क और प्रेशर, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम एक फोर्स एफ लगाते हैं और उसको डी डिस्टेंस तक मूव करते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, उसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक डी डिस्टेंस तक मूव करते हैं। उसमें हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं एफ, डिस्टेंस जो मूव करा रहे हैं वो है डी। तो वर्क जो होता है वो होता है एफ इंटू डी। तो वर्क को बोल सकते हैं कि वो एनर्जी यूज जो हो रही हो जब हम एफ फोर्स लगा के किसी बॉडी को डी डिस्टेंस तक मूव करा रहे हैं। तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। फोर्स की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन। और पावर की, पावर को क्या बोलते हैं, पावर हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क तो आप समझ गए कि किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और उसे डिस्टेंस डी तक मूव कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो फोर्स इंटू डिस्टेंस डी होगा। और वर्क डन जो होता है वो होता है, सॉरी, पावर जो होता है वो होता है E/T। ई एनर्जी या फिर वर्क एक ही चीज़ हुआ, आप जितना भी वर्क करते हैं उतने ही अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है। तो ई और वर्क और एनर्जी को हम लोग साथ साथ अलग, मतलब साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क, मींस वर्क पर यूनिट टाइम, या फिर एनर्जी
पर यूनिट टाइम। तो वर्क हो गया एफ इंटू डी, पावर हो गया ई बाई टी या डब्ल्यू बाई टी, और इसकी पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, जबकि वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। अगला क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है एक्सरेज से। तो एक्सरेज की बात करेंगे तो हॉस्पिटल्स और एयरपोर्ट्स पे जब भी चेकिंग चलती है और किसी भी ऑब्जेक्ट की अंदर तक चेकिंग करनी होती है तो हम वो एक्सरेज का यूज़ करते हैं। तो विच टाइप ऑफ वेव इज़ यूज टू पेनिट्रेट हार्ड ऑब्जेक्ट्स एट हॉस्पिटल्स एंड एयरपोर्ट्स, तो वो एक्सरेज का यूज़ होता है। तो एक्सरेज का यूज़ कर सकते हैं हम लोग हार्ड ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट करने के लिए, इसी कारण यूज़ किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर था। तो एक्सरे की एक क्वालिटी होती है कि वो किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट कर जाता है एक्सरे, तो क्योंकि उनका बहुत हाई पेनिट्रेशन पावर होता है एक्सरे का, इसलिए एक्सरे को यूज़ किया जाता है कभी भी स्कैनिंग के लिए। और एक्सरे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सरे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ होता है 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर्स तक, और इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है, इसलिए इसे हम लोग यूज़ करते हैं स्कैनिंग में, हॉस्पिटल्स और एयरपोर्ट्स में। तो आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाइफ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिवर, वेज, इंक्लाइंड प्लेन या पुली। तो ये चारों जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं, चारों एक टाइप्स ऑफ सरफेस हैं, ठीक है। तो वेज एक ऐसा सरफेस होता है, मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से ही डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। वेज एक ट्रायंगुलर सरफेस होता है, क्योंकि एक्स अगर आप जानते होंगे तो एक्स में भी यूज़ होता है, लकड़ी काटने के लिए इस तरह के यूज़ होता है। तो वेज इस तरह के ट्रायंगुलर सरफेस को बोलते हैं, जिसका यूज़ इसीलिए होता है ताकि किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए या एक और दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट टू ऑब्जेक्ट्स और पोर्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट को काटना हो तो वेज इज अ ट्रायंगुलर टूल। तो नाइफ भी कुछ इसी टाइप का होता है, नाइफ इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेज। और इंक्लाइंड प्लेन और पुली तो आप जानते ही हैं, इंक्लाइंड प्लेन हो गया कुछ इस तरह का जो सरफेस होगा, और पुली तो कुछ इस तरह के जो क्या कहते हैं होते हैं वो होते हैं पुली। अगला क्वेश्चन जो है वो है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। फ्रीली सस्पेंड क्वेश्चन है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टेज इन द डायरेक्शन, मीन्स अगर एक मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो किस डायरेक्शन में आके रुकेगा, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होता है नॉर्थ साउथ। एक मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाता है अगर उसे छोड़ दिया जाए तो। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है, तो जैसा कि देखिए मैग्नेट में क्या होता है कि मैग्नेट का नॉर्थ जो होता है वो साउथ के तरफ अट्रैक्ट होता है, और साउथ जो होता है वो नॉर्थ के तरफ अट्रैक्ट होता है। अब जो हमारा अर्थ है, मान लीजिए कि सॉरी ये एक अर्थ है, तो अर्थ का ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है। लेकिन अगर अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ का ये तो मान लीजिए आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, लेकिन अर्थ का अगर मैग्नेटिक बात करें तो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ ये होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ ये होता है, मींस अपोजिट होता है। तो इसीलिए अगर किसी भी मैग्नेट को अगर हम अर्थ सरफेस से सस्पेंड करते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपने आप क्या होगा मैग्नेट, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक साउथ यहाँ है तो जो मैग्नेट होगा उसका नॉर्थ किस डायरेक्शन में होगा, साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसका नॉर्थ यहाँ होगा, और साउथ किस तरफ होगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके तरफ ही अट्रैक्ट होगा। तो मैग्नेट का जो नॉर्थ होगा वो इस साउथ के पास होगा और जो साउथ होगा वो इस नॉर्थ के पास होगा। तो इस तरह से क्या कहते हैं, मैग्नेट जो है वो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ दिखाने लगता है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ जो होता है वो अपोजिट होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्टार्स ट्विंकलिंग की, कि स्टार्स ट्विंकल करते हुए क्यों नज़र आते हैं। तो इसका मतलब कि इसकी थ्योरी क्या है। तो बेसिकली अगर आप जानते होंगे तो कोई भी अगर एक सरफेस है उसके पास, उसके ऊपर से अगर लाइट गुजरती है तो वो किस थोड़ा सा डेविएट करती है। तो मान लीजिए ये लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन था, यहाँ पे स्ट्राइक की सरफेस को, तो उसे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था लेकिन वो डेविएट करके इस डायरेक्शन में जाती है। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ऐसा होता है कि स्टार्स और हम लोग हैं अर्थ सरफेस पे, तो बीच में हमारे बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, तो इन एटमॉस्फेरिक लेयर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मींस लेयर्स जो इंडिविजुअल लेयर्स हैं वो कितने हद तक लाइट को डेविएट करेंगे वो डिफरेंट होता है।
तो चूंकि वो डिफरेंट होता है बहुत सारे लेयर्स का, इसलिए लाइट कभी ज़्यादा डेविएट करती है, कम डेविएट करती है और चेंज हो होके हमारे पास आती है, इसलिए हमें स्टार्स ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका थ्योरी यही है कि ट्विंकलिंग स्टार्स की द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमोसफेयर चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, कंसिक्वेंटली द पोजिशन ऑफ द स्टार्स इमेज चेंजेस विथ टाइम। तो स्टार्स ट्विंकलिंग की जो थ्योरी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड है, अर्थ एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स पे के कारण। और आगे जो हम लोग बात करेंगे वो है 3D ग्लासेस की। 3D मूवीज जब हम देखने जाते हैं तो हमेशा हमें स्पेशल ग्लासेस दिया जाता है पहनने को, ऐसा क्यों होता है? जबकि नॉर्मल मूवी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नॉर्मल मूवी में और 3D मूवी देखने जाने में क्या डिफरेंस होता है कि जब हम नॉर्मल मूवी देखने जाते हैं तो एक तरह की इमेज को बस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन जब हम 3D मूवी देखने जाते हैं तो दो तरह की इमेज को प्रोजेक्ट किया जाता है। एक तो एक इमेज जो हॉरिजेंटली पोलराइज होती है और दूसरी इमेज जो वर्टिकली पोलराइज होती है। तो एक इमेज हॉरिजेंटली पड़ती है और एक इमेज वर्टिकली पोलराइज्ड होती है। तो हमारी आईज क्या कहते हैं, ताकि इन दोनों इमेजेस को सही से देख पाएं, इसलिए हमारे जो आँख जो 3D ग्लास दिया जाता है उसमें से एक तरफ का ग्लास ऐसा होता है जो इस हॉरिजेंटली पॉइज्ड इमेज को देख पाए सही से, और दूसरा जो ग्लास होता है दूसरी तरफ का वो इस वर्टिकली पॉइज्ड इमेज को सही से देख पाए, ताकि तब इसलिए हमें अगर हम हटा देंगे ग्लासेस को तो इमेज ब्लर्ड हो जाएगी, क्योंकि हम क्लियरली देख नहीं पाएंगे इस हॉरिजेंटल और इस वर्टिकल इमेज को। तो इसीलिए यही डिफरेंस होता है। तो जब नॉर्मल मूवीज में एक तरह की इमेज को प्रोजेक्ट किया जाता है, जबकि 3D मूवीज में दो तरह की इमेजेस को प्रोजेक्ट किया जाता है, एक तो वर्टिकली पोलराइज्ड और दूसरी हॉरिजेंटली पोलराइज्ड। इसलिए 3D ग्लासेस यूज किए जाते हैं, जिसमें से एक ग्लास जो होगा वो हॉरिजेंटली पोलराइज्ड को डिकोड करेगा और दूसरा जो होगा वो वर्टिकली पोलराइज्ड इमेज को डिकोड करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन, न्यूटन तो फोर्स का होता है। जूल जैसे मैंने ऊपर बताया था वर्क का होता है, जिसकी वैल्यू थी फोर्स इंटू डिस्टेंस। न्यूटन फोर्स का होता है, मींस फोर्स का न्यूटन होता है। वॉट जैसे हमने पहले बात की थी पावर का एसआई यूनिट है, और एम्पियर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट का। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो होती है आई, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मीन्स कि जो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड करंट। तो मैं किसी भी सरफेस से, मान लीजिए कि एक सरफेस है, यहां से जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लीजिए 10 कुलुम्ब का चार्ज फ्लो कर रहा है हर सेकेंड, तो करंट क्या होगी? 10 कुलुम्ब बाई 1 सेकेंड, मीन्स 10 एम्पियर। तो अगर हम 1 एम्पियर की बात करें तो करंट 1 एम्पियर कब होगी? जब 1 कुलुम्ब का चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट सेकेंड। अगर 10 कुलुम्ब का चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट 10 एम्पियर होगी, और अगर 5 कुलुम्ब का चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट कितनी होगी? 5 कुलुम्ब होगी। मान लीजिए कि करंट चार्ज जो है वो 10 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 2 सेकेंड में, तो हमारी करंट कितनी होगी? 10/2, 5, क्योंकि पर यूनिट सेकेंड निकालना था। तो जो करंट हो तो जो हमारा करंट होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो और दूसरी दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं आमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए आमीटर यूज करते हैं। वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते थे? यूज वोल्ट मीटर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, और 1 एम्पियर करंट कब फ्लो करती है? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड के लिए। एंड आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच फेनोमेना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो जैसा कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो हमें लाइट का वेव नेचर दिखता है, लाइट वेव की तरफ फ्लो होती है। तो अगर हमें पार्टिकल नेचर को एक्सपीरियंस करना है लाइट को के, तो क्या होगा? पार्टिकल नेचर को एक्सपीरियंस करना है तो जब लाइट को किसी मेटल सरफेस पे
एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से डाला जाता है, तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से लाइट में से स्ट्राइक करते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगते हैं. तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ मेटल और अ कैथोड सरफेस. तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स जब जो हमारा लाइट है वो जैसे ही एक मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, जिससे क्लियरली हमें पता चलता है लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में. पार्टिकल नेचर तो तभी होगा जब लाइट पार्टिकल्स से बनी होगी, पार्टिकल्स मतलब एटम्स से बनी होगी और एटम्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें. तो जैसे ही लाइट अगर मेटल से स्ट्राइक की और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, मतलब क्या होता कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी था, वो पार्टिकल से भी बनी थी. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंसेप्ट है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का. तो इस मेटल से जब लाइट टकराएगी तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, लेकिन ऐसा होने के लिए लाइट को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही स्ट्राइक करना पड़ेगा मेटल से, तभी होगा. अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी पे लाइट स्ट्राइक करती है मेटल से तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन तभी होगा जब लाइट उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा पे स्ट्राइक करेगी मेटल सरफेस को. और जब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा तो हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पता चलेगा, और इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी फेनोमेनन को कहते हैं जब मेटल सरफेस से लाइट स्ट्राइक करती है और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है. तो क्वेश्चन था विच फेनोमेना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या पोलराइजेशन. तो आंसर है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था मेटल से जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा. नाम से भी क्लियर है. देखिए फोटो, फोटो मतलब होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका नाम है. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर पे. इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर किस एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग चलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं. और हमें आउटपुट में क्या मिलती है? मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम कोई भी मैकेनिकल काम करते हैं, जैसे पानी निकालना, तो वो काम होता है मैकेनिकल काम. और हमने इनपुट क्या दिया होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिकल, तो जो मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस फेनोमेनन पे काम करता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है. ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर देखिए कुछ इस तरह से काम करता है. ये फाइबर होता है और इसके अंदर जैसी रेज जाती हैं तो वो इस तरह से उसका सरफेस होता है कि रेज स्ट्राइक करेंगी और रिटर्न कर जाती हैं. तो रेज अंदर ही कंटेन रहेंगी इस फाइबर के, और इस कारण से एफिशिएंसी बहुत हाई होती है और सारी रेज आगे चली जाती हैं. इसी फेनोमेनन को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, जो आजकल ब्रॉडबैंड्स में यूज़ होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के लिए, तो वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल को, लाइट के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल को यूज़ करता है. अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि थर्मस फ्लास्क का इन्वेंशन किसने किया था? ये जेम्स डेवर ने किया था. एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे. इन्होंने 1892 में इन्वेंट किया था थर्मस फ्लास्क. थर्मस फ्लास्क क्या होता है? इंसुलेटेड सरफेस होता है थर्मस फ्लास्क का, जिसके कारण इसका ये इंसुलेटेड सरफेस होता है, जिसके कारण जो लिक्विड है अंदर वो काफ़ी देर तक अपने टेम्परेचर को रिटेन कर पाता है. अगर गर्म है तो गर्म रहेगा, और अगर ठंडा है लिक्विड तो ठंडा रहेगा. अपने टेम्परेचर को वो रिटेन कर पाता है, क्योंकि जो सरफेस होता है वो इंसुलेटेड होता है. हीट जो है वो एस्केप नहीं कर पाती है, ना बाहर जा पाती है, ना बाहर से अंदर आ पाती है हीट. तो ये होता है थर्मस फ्लास्क. इसका इन्वेंशन स्कॉटिश साइंटिस्ट स्कॉटलैंड के थे, जिन्होंने 1892 में क्या कहते हैं इन्वेंट किया था थर्मस फ्लास्क को. अगला क्वेश्चन फ्रिक्शन से रिलेटेड है. फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय व्हाट ऑन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट? फ्रिक्शन कभी भी जानते ही है, दो सरफेस जो होते हैं, मान लीजिए एक ये सरफेस है और एक ये दूसरा सरफेस है. ये सरफेस जब इस सरफेस पे मूव करेगा तो फ्रिक्शन होता है. कभी भी इवन आप जब हाथ अपना क्या कहते हैं एयर में मूव करते हैं तो भी क्या कहते हैं नीचे आपके हाथ के ठीक नीचे एयर है, ठीक है. तो आप एयर के ऊपर अपने हाथ को मूव कर, तब भी दो सरफेस हैं. एक आपका अपने हाथ को आप एयर के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो दो सरफेस जब एक दूसरे पे मूव करते हैं
तो फ्रिक्शन होता है। और वो फ्रिक्शन पैदा क्यों होता है? क्योंकि दोनों सरफेस जो होते हैं वो इररेगुलर होते हैं, मींस दोनों सरफेस का जो कंस्ट्रक्ट होता है वो इररेगुलर होता है। अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखिएगा, मान लीजिए ऐसे तो आप देख रहे हैं ये दो सरफेस हैं, आप जब माइक्रोस्कोपिकली देखिएगा तो सरफेसेस कुछ ऐसे होते हैं। ये मान लीजिए, सॉरी, ये पहला सरफेस है, दूसरा सरफेस भी कुछ ऐसा होगा। तो जब मूवमेंट होगा तो काफी एनर्जी का लॉस होगा, जिसे हम कहेंगे फ्रिक्शनल लॉस। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इररेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो दो सर्फेस कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनमें जो इररेगुलरिटीज है उसके कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इररेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। अगला क्वेश्चन है, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी के मोशन पे, द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मोशन। मीन्स एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, मीन्स अगर आप मान लीजिए छत पे से जाके बॉल को रिलीज कर देते हैं, रिलीज करते हैं मीन्स किसी फोर्स को बिना लगाए बस रिलीज करते हैं, तो बॉडी फ्री फॉल कर रही है, तो उसका मोशन किस टाइप का होगा? तो आप मान लीजिए बॉडी फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल कर रही है मतलब एक हाइट से नीचे आ रही है। ठीक है, मान लीजिए ये हाइट थी, तो इसमें एक्सीलरेशन क्या लग रहा है? ग्रेविटी, जो कि हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू से क्या होती है? कांस्टेंट। तो जब भी आप किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसमें हमेशा ग्रेविटी लगती है एक फिक्स वैल्यू पे, मींस यूनिफॉर्म, और वो बॉडी नीचे आती है तो क्या हो रहा होता है? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो रहा होता है। जब भी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है तो एक्सिलरेशन हो रहा होता है, और यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो रहा होता है क्योंकि क्योंकि वैल्यू जो होती है एक्सिलरेशन की वो फिक्स होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली नहीं होगा क्योंकि जो वैल्यू है वो फिक्स है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन लगा है, मींस फोर्स लगातार लग रहा है, एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट स्पीड भी नहीं होगा, स्पीड लगातार बढ़ रही होगी इस एक्सेलरेशन के कारण। तो एक्सेलरेशन है इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकता है, और कांस्टेंट स्पीड नहीं हो सकता, और एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का हमेशा ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे ही हमने बात किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होगा? जहां पर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल थ्रू आउट द मोशन इज यूनिफॉर्म, मीन्स एक्सेलरेशन सेम वैल्यू से लग रहा है, जैसे कि फ्री जब बॉडी फॉल होती है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लगातार लग रहा होता है, तो वो एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। मीन्स सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड जो होगा वो लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बनेगा उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? ऑब्वियसली बात है, इसे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। मीन्स सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, जब आप सॉलिड को किसी भी सॉलिड को जब आप हीट करेंगे तो वो क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज द टेम्परेचर एट विच इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा कि सॉलिड जो होगा, अभी तक वो सॉलिड है, ठीक है, अभी तक वो सॉलिड है, ठीक है, अब आप उसे हीट करते करते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले आए, मान लीजिए टेम्परेचर टी, इस टेम्परेचर टी पे वो मेल्ट कर जाएगा और लिक्विड बन जाएगा। तो टेम्परेचर टी जो होगा वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, जो कि जैसे कि वाटर आइस के लिए, आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री पे मेल्ट कर जाएगा आइस। ठीक है, तो इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया, इसी में सॉलिड फिर लिक्विड, और अगर आप लगातार और हीट करते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये गैस बन जाएगा, तो इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ाते गए, हीट करते गए, ये सॉलिड से लिक्विड बना और हीट करते गए, ये बॉइलिंग पॉइंट पे गैस बन गया। तो मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड बन गया, बॉइलिंग पॉइंट पे गैस बन गया। अगला क्वेश्चन जो है वो भी मोशन से रिलेटेड है, तो फॉर एन ऑब्जेक्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट
इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ विच स्पीड? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. रेस्ट किसे बोलते हैं? जीरो स्पीड को बोलते हैं रेस्ट. ठीक है, सिंपल है. रेस्ट जीरो स्पीड पे अटेन होता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड है. तो द लॉज विच गवर्न द मोशंस ऑफ प्लैनेट्स. तो देखिए, जब हम लोग अर्थ पे बॉडीज की बात करते हैं तो बॉडी के मोशंस को न्यूटन लॉज से बात करते हैं. लेकिन जब हम प्लैनेटरी मोशंस की बात करते हैं तो जो केपलर्स लॉज होते हैं वो क्या कहते हैं, गवर्न करते हैं. बेसिकली तीन केपलर लॉज हैं. केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिस तरह से न्यूटन के तीन लॉ हैं उसी तरह केपलर के भी तीन इंपॉर्टेंट लॉज हैं प्लैनेटरी मोशन के लिए. आपको उन तीनों लॉज में जाने की जरूरत नहीं है. बेसिकली याद रखना है कि तीन इंपॉर्टेंट लॉज हैं केपलर के प्लैनेटरी मोशन के लिए, जिससे कि प्लैनेटरी मोशन गवर्न होता है. तो प्लैनेटरी मोशन, द लॉज विच गवर्न द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स आर कॉल्ड केपलर्स लॉज. अगला हम बात करते हैं पेंसिल लीड की. जब पेंसिल से लिखते हैं तो उसकी लीड किस चीज़ की बनी होती है? पेंसिल की लीड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है. ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक आइसोटोप है. ठीक है, जैसा आप लोग जानते होंगे ग्रेफाइट एक कार्बन का आइसोटोप है. और जो पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है, क्योंकि ग्रेफाइट में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो पेपर पे मार्क्स लीव कर देता है, इसलिए वो इजीली विजिबल हो जाता है. तो पेंसिल लीड जो होती है वो पाउडर्ड ग्रेफाइट और क्ले से बनी होती है. ग्रेफाइट की क्वालिटी क्या थी, होती है कि वो पेपर पे मार्क्स को लीव कर देता है, निशान छोड़ देता है. तो इसीलिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है और साथ में क्ले का यूज़ किया जाता है. तो ग्रेफाइट और क्ले का यूज़ करके बनाई जाती है पेंसिल की लीड. सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन. तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोडियम मेटल जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल माना जाता है. तो अगर आप इसे खुले में छोड़ देंगे तो ये अपने स्टेट में रहेगा ही नहीं, ये रिएक्ट करके कोई और सब्सटेंस बना देगा. इसीलिए इसे किसी एक दूसरे जगह पे स्टोर करना पड़ता है ताकि ये रिएक्ट ना करे. तो सोडियम मेटल को जो होता है हम लोग क्या कहते हैं, केरोसिन में स्टोर करते हैं. क्यों? क्योंकि सोडियम मेटल क्या होता है, अगर आप इसे हवा में छोड़ देंगे तो सोडियम Na प्लस होता है. ये वाटर के हाइड्रोक्सी आयन से कंबाइन करके NaOH बना लेगा. ठीक है, जो कि एक स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. ठीक है, और लॉट्स ऑफ ये जो रिएक्शन है वो एक स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और बहुत ही हीट जनरेट होती है. तो इसीलिए सोडियम को कभी भी खुले में नहीं रखते हैं, उसे स्टोर करने के लिए केरोसिन यूज़ करते हैं और केरोसिन में वो रिएक्ट नहीं कर पाता है. ठीक है, केरोसिन की मदद से क्या होगा, केरोसिन की मदद से वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा. जो OH है वो कहाँ से आ रहा है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से ही, वाटर से ही आता है OH. H2O को जब आप करेंगे, H2O ही देता है हमें H+ और OH- आयन. तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर से ही OH मिल रहा है. तो अगर वो इसीलिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर अवॉइड कराएंगे सोडियम से. ठीक है, इसीलिए हम उसे केरोसिन में यूज़ करेंगे, रखेंगे, सॉरी स्टोर करेंगे. अगला क्वेश्चन है वो फिर से मोशन से रिलेटेड है. So if a boy is sitting in a train which is moving at a constant velocity and he throws a ball straight up into the air, the ball will, अगर एक लड़का ट्रेन में बैठा है जो कि एक फिक्स वेलोसिटी से चल रही है ट्रेन, और वो ट्रेन में बैठा है और वो एक बॉल को ऊपर उछालता है, तो बॉल के साथ क्या होगा, बॉल क्या उसके आगे जाएगी, पीछे गिर जाएगी, उसके हाथ में गिरेगी, या none of the above? तो इसमें क्या होता है, देखिए बॉल जो होगी वो उसके हाथ में ही गिरेगी. हाथ में क्यों गिरेगी, क्योंकि देखिए अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा भी तो हो सकता था कि आपको ये लगना चाहिए कि किसी ने बॉल उछाली और क्योंकि हम मूव कर रहे हैं तो हम आगे चले गए, तो बॉल अपनी जगह पे गिरना चाहिए था, तो वो पीछे गिरनी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आपने बॉल को उस लड़के ने रिलीज़ किया तो वो लड़का भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था. ठीक है, तो उसने बॉल को भी वो वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी. मीन्स बॉल की अब एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी भी है जो कि ट्रेन की वेलोसिटी के इक्वल है, और वर्टिकुलर वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से उस लड़के ने बॉल को फेंका है.
ठीक है, अगर हॉरिजेंटल वेलोसिटी नहीं होती बॉल की तो बॉल क्या होता, पीछे रह जाती, लड़का आगे चला जाता। लेकिन क्योंकि बॉल में एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी भी आ गई है तो इस कारण से बॉल जो होगी वो लड़के के हाथ में ही गिरेगी। ठीक है, तो इस हॉरिजेंटल वेलोसिटी के प्रेजेंस के कारण वो लड़के के हाथ में ही गिरेगी, क्योंकि हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो बॉल की है वो ट्रेन के वेलोसिटी के इक्वल है, इसलिए दोनों हमेशा बराबर साथ साथ रहेंगे। ठीक है, तो अगर लड़का बॉल उछालता है तो बॉल उसके हाथ में ही गिरेगी, क्योंकि बॉल में भी हॉरिजेंटल वेलोसिटी आ गई है। तो अब अगला क्वेश्चन जो है ये भी देखिए, न्यूटन के लॉ से ही रिलेटेड है। अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड विच स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे ही वो लड़का क्या कहते हैं एक स्टोन को किक करेगा, एक बराबर का रिएक्शनल फोर्स उसके ऊपर लगेगा और वो उस लड़े वो लड़का हर्ट हो जाएगा, या पर्सन जो होगा वो हर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन के कारण हो रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इनर्शिया के कारण नहीं, वेलोसिटी के कारण नहीं, मोमेंटम के कारण नहीं। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें कि एक बॉडी अपने ही स्टेट में रहना चाहेगी, मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगी। वेलोसिटी जानते हैं कि एक जो स्पीड है उसे वेलोसिटी बोलते हैं, मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, चेंज इन मोमेंटम को डीएम बाई डीटी को क्या कह सकते हैं, मैंने फोर्स इसलिए ऊपर बताया, फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज रिएक्शन। ठीक है, शेविंग मिरर, शेविंग मिरर इज अ टाइप ऑफ, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, शेविंग मिरर इज अ टाइप ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर देखिए ऐसा होता है, कॉनकेव मिरर देखिए इसके नाम याद रखने के लिए, कॉनकेव, केव मतलब लाइट, जब केव वाले शेप में पड़े तो कॉनकेव, कॉनवेक्स मिरर क्या होगा, ये जब लाइट इस सरफेस पे पड़े तो कॉनवेक्स मिरर। ठीक है, तो शेविंग मिरर इज अ टाइप ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगला, द स्पून ड्रॉप बाई एन एस्ट्रोनॉट इन अ सैटेलाइट विल, एक सैटेलाइट में अगर क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉट है वो स्पून ड्रॉप करता है तो क्या होगा। देखिए, वेदर द स्पून विल फॉल टू द फ्लोर, जमीन पे वो कैसे गिरेगा, अगर जब वो सैटेलाइट में है मींस वो अर्थ से काफ़ी दूर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो वो जमीन पे नहीं गिरेगा, स्टेशनरी भी वो नहीं रहेगा, क्योंकि सैटेलाइट एक कॉन्स्टेंट मोशन में है। ठीक है, सैटेलाइट कॉन्स्टेंट मोशन में है तो वो स्टेशनरी में रहेगा, तो वो जो स्पून है वो सैटेलाइट की मोशन को फॉलो करेगा। नॉर्मली उसे गिरना चाहिए था लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के एब्सेंस में वो नीचे नहीं गिरेगा और सैटेलाइट के मोशन को वो फॉलो करेगा। अगला न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग यूरेनियम यूज़ करते हैं कभी भी। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, और न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा फेनोमेनन होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर कौन सा, न्यूक्लियर फिशन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में कभी भी, न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल जो है वो यूरेनियम यूज होता है और जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस क्या होता है। कंपास नीडल, कंपास नीडल की मदद से हम लोग मतलब क्या इस क्वेश्चन में ये है, कंपास नीडल कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटेक्ट, क्या नहीं कर सकते हैं ये है। तो कंपास नीडल की मदद से हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो हमेशा मेजर कर सकते हैं, आपको पता ही है, मैग्नेट की पोलैरिटी भी हमेशा मेजर कर लेंगे कंपास नीडल की मदद से क्योंकि वो नॉर्थ साउथ में होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी मेजर कर लेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं मेजर कर पाएंगे। मींस हमें डायरेक्शन तो पता चल जाएगी नॉर्थ साउथ की लेकिन स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगी कभी भी कंपास नीडल से। तो डायरेक्शन पता चल जाएगी, पोलैरिटी किधर है पता चल जाएगी, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगी कंपास नीडल की मदद से।
अगला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. मीन्स इनमें से किन सब्सटेंसेस, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे. देखिए नॉर्मली क्या होता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है. ये नॉर्मली फेनोमेनन है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा. ठीक है, क्यों क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स होता है वो इंक्रीज कर जाता है. मींस इलेक्ट्रॉन्स और क्या कहते हैं प्रोटॉन्स और सारे का मोशन इंक्रीज कर जाता है. तो जब उनका मोशन इंक्रीज कर जाएगा तो जब जो इलेक्ट्रॉन है वो जब पास होना चाहेगा तो वो ज़्यादा पार्टिकल्स से टकराएगा क्योंकि सब मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो उस कारण क्या होगा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, वो इजिली जो चार्ज है वो फ्लो नहीं कर पाएगा. तो नॉर्मली क्या होता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है. लेकिन प्योर सिलिकन के केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करता है. ऐसा क्यों? क्योंकि प्योर सिलिकन जो है वो एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है. याद रखिएगा प्योर सिलिकन जो है वो सेमीकंडक्टर है. प्योर सिलिकन इसीलिए बहुत जगह पे यूज़ होता है माइक्रोप्रोसेसर्स वगैरह में भी. ठीक है, तो प्योर सिलिकन सेमीकंडक्टर है और इस कारण क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे. ठीक है, तो नॉर्मल रिलेशन थी रेजिस्टेंस का इंक्रीज, सॉरी टेम्परेचर का इंक्रीज रेजिस्टेंस का इंक्रीज. लेकिन प्योर सिलिकन में दूसरी रिलेशन फॉलो जाती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्योर सिलिकन के साथ ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो क्या कहते हैं प्योर सिलिकन के हैं उन्हें बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी मिल जाती है ये टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो वो इजीली मूव कर जाते हैं. तो सेमीकंडक्टर के कारण ऐसा होता है कि उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो बार मैग्नेट से एसोसिएटेड है कि अगर एक बार मैग्नेट को, व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस बिकम्स डबल बिकम्स हाफ बिकम्स जीरो और रिमेन्स सेम, क्या होगा? तो देखिए अगर ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था. आप अगर इसे मान लीजिए यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा अब इसके पोल्स के साथ? तो क्या होता है कभी भी अगर आप अगर एक बार मैग्नेट को काट देते हैं तो कुछ नहीं होगा, वो दो अब दो पार्ट्स में होगा और सेम आपने काटा, इसे काटा था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ठीक. अगर ये नॉर्थ है तो ऑपोजिट पोल यहाँ पे डेवलप कर जाएगा, इसमें यहाँ पे ऑपोजिट पोल डेवलप कर जाएगा और सेम स्ट्रेंथ का डेवलप करेगा. ठीक है, तो व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस रिमेन्स द सेम. मीन्स काटने के बाद भी उसका पोल स्ट्रेंथ सेम होगा क्योंकि इस एंड पे भी सेम स्ट्रेंथ का पोल डेवलप कर जाएगा. तो इधर नॉर्थ रह गया था, इधर साउथ रह गया, तो यहाँ पे अपने आप नॉर्थ डेवलप कर जाएगा, यहाँ पे अपने आप साउथ डेवलप कर जाएगा. अगला क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन, आपको बताना है किस पे डिपेंड नहीं करता है, चेंज इन फ्लक्स पे, टाइम ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेजिस्टेंस पे, या नन ऑफ द अबव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेनन होता क्या है? कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कभी भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही हमारे जनरेटर्स काम करते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि एक कंडक्टर होता है, ठीक है, मान लीजिए कंडक्टर फिक्स्ड है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, और हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराएंगे. ठीक है, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम चेंज कर रहे हैं और कंडक्टर जो है वो फिक्स है, एक केस. दूसरा केस, कंडक्टर को मूव करा रहे हैं और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फील्ड को कांस्टेंट रख दे रहे हैं. ठीक है, तो दोनों में क्या हो रहा है कि चेंज आ रहा है फ्लक्स में. ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज डेवलप कर जाता है, वोल्टेज डेवलप कर जाता है, प्लस माइनस. ठीक है ना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस और चार्ज फ्लो होने लगता है.
ठीक है। तो जनरेटर में यही होता है कि हम जो एक कंडक्टर को फिक्स कर देते हैं, उसके आसपास मैग्नेटिक मोशन कराते हैं, जिसके कारण चेंज क्या कहते हैं एक ये करंट डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिनन आप समझ गए कि क्या कहते हैं, या तो कंडक्टर को फिक्स करके मैग्नेटिक मोशंस को चेंज करें, या कंडक्टर को क्या कहते हैं मूव करते रहे, मैग्नेटिक मोशंस को कांस्टेंट कर दें, तो कंडक्टर में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, उसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और ठीक है, तो उसमें जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो वो क्वेश्चन ये है कि इंड्यूस्ड चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन, तो जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे डिपेंड नहीं करता है, इसे फॉर्मूला से देखना पड़ेगा। तो देखिए, जो जब जैसे हमने बताया, जो ये मान लीजिए कि कंडक्टर था, ठीक है, ये प्लस चार्ज, ये माइनस, तो ये इस यहाँ पे हमने क्योंकि एक मैग्नेटिक मोशन कराया था, तो ये वोल्टेज डेवलप हुआ था, तो मान लिया ये ई है, ठीक है, तो ये ई जो होगा वो डी फाई बाई डी टी, मीन्स जिस रेट से चेंज हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स, उस पर डिपेंड करेगा। ई इक्वल टू आई आर बी होता है, तो ई की जगह अगर हम डी फाई बाई डी टी रखते हैं, और आई की जगह क्या रखते हैं, डी क्यू बाई डी टी, मीन्स आई जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि चेंज इन दी चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, तो क्या होगा, डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा, और डी फाइज ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी फाई अपॉन आर। ठीक है, तो देखिए इसमें कहीं भी टाइम नहीं है, तो इसीलिए इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा ई, ये इंड्यूस्ड वोल्टेज था प्लस माइनस वाला, ठीक है ना, कंडक्टर में वो तो डिपेंड कर रहा है टाइम पे, ठीक है, लेकिन इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो डिपेंड नहीं करेगा टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, मैग्नेटिक फील्ड को देखिए कभी भी मूविंग मूविंग चार्ज से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अ मूविंग चार्ज और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी क्या कहते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं कभी भी। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप चेंज करें या फिर चार्ज को मूव करें, एक ही तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मतलब मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें एक क्या कहते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो दोनों फेनोमेनन से, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज को मूव करने से भी और इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई अ मूविंग चार्ज एज वेल एज अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एम्पियर तो होता था करंट का, वोल्ट होता था वोल्टेज का, ठीक है, तो ओम ठीक है ना, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आई। तो ये थे आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स से रिलेटेड, अगले क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स वेरी मच।